उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम का चकिया के चक निरातुल स्थित मकान और घर के सामान को पुलिस ने मंगलवार को कुर्क कर लिया। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। मंगलवार को चक निरातुल में बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने उक्त कार्रवाई की। इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। उसका मकान चकिया के चकनीरातुल इलाके में सकरी गली में है। इसके चलते मकान को ढहाया नहीं जा सका। पुलिस ने इसको पहले ही सील कर दिया था। अब कुर्की की कार्रवाई की गई। ये उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 CRPC के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मगर उस समय ये PDA के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने PDA की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है उसको कुर्क किया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई, अभी क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ इस तरह का जी, इसमें 6 में से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी है। 2 बचे हैं, शाइस्ता परवीन और अरमान, वो भी जल्द से जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर उसमें भी कार्रवाई करी जाएगी। जो सील किया गया था वो 28 में सील किया जाता है और 27 की पहले शुरुआत में कार्रवाई की गई थी और 15/6/23 को सील किया गया था। तो आपके पुलिस विभाग के अनुरोध होने पर जो आज इसको खोला गया है। आगे क्या कार्रवाई इसमें और अब आगे जो उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम CCTV फुटेज में नजर आया था। वो लगातार बमबाजी कर दहशत पैदा कर रहा था। उमेश पाल के गनर को बम से हमला कर जख्मी कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना के बाद से वो फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसकी खोजबीन में जुटी हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका है।